महाराष्ट्र के भंडारा से बेहद दर्दनाक खबर है। भंडारा जनरल अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। शिशु वार्ड में आग लगने से ये बड़ा हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में 7 बच्चों को बचाया गया है। नवजात बच्चों की मौत की खबर आ रही है। 7 नवजात बच्चे बचाए गए हैं, लेकिन 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है इस अस्पताल में भीषण आग लगने के बाद। और इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। भंडारा के इस अस्पताल में किलकारियां खामोश हो गई। महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल में ये जबरदस्त लापरवाही का मामला सामने आया है। उसी अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 नवजात बच्चों की यहां दर्दनाक मौत हो गई। और इस वक्त हमारे नागपुर के संवाददाता गजानन उमाटे हमारे साथ मौजूद हैं। गजानन, तफसील से बताइए कि इतना जबरदस्त, इतना दर्दनाक हादसा हो कैसे गया? नागपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर भंडारा जिला है और भंडारा शहर में जो जिला अस्पताल है उसमें रात को 2 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी और शिशु वार्ड में आग लगी। उस आग लगने के कारण 10 बच्चों की मौत वहां हो गई है और 7 बच्चों को बचाया गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही है क्योंकि शिशु वार्ड में इलेक्ट्रिक की शॉर्ट सर्किट हो जाना ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और अभी अभी जो है वहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है और ये 7 बच्चों को वहां से बचाया गया है। और जिला अस्पताल के जो अधिकारी है वो अभी उसकी छानबीन कर रहे कि क्यों ऐसा हुआ है और कितने गजानन, ये क्या पता चल पाया है कि 10 जिन 10 नवजात बच्चों की मौत हुई है, क्या उन्हें इंक्यूबेटर में रखा गया था? शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगने की वजह से उनकी जान गई है, कुछ जानकारी मिल पाई है? वहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद बहुत ज्यादा धूर वहाँ हो गया, धुआं हो गया और धुआं होने के कारण उनकी मौत हो गई ऐसा बताया जा रहा है। ये ICU में इन बच्चों को रखा गया था और ये नवजात शिशु थे। कोई शिशु 2 दिन का था तो कोई शिशु 5 दिन का था। उनका उपचार वहां चल रहा था और उसी के कारण वहां तकरीबन रात को 2 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके कारण उनकी मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया गजानन उमाटे हमारे संवाददाता नागपुर से ये जानकारी देते हुए। बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। भंडारा के जिला अस्पताल में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।